दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल है, क्योंकि आज हम स्वाद करने वाले हैं स्ट्रीट फूड, और वो भी कहाँ का, कश्मीर का। तो टॉप 5 स्ट्रीट फूड कश्मीर के आज हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम आ चुके हैं हज़रतबल दरगाह के मेन गेट के बाहर, और यहाँ पे मिलता है क्या क्या वो देखते हैं। भैया, क्या हाल है? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो स्ट्रीट फूड आप दे रहे हैं ये क्या है? फिर सुना ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ है, बताइए। दाल होती है, वाल मुठ बोलते हैं इसका। अच्छा, कौन सी दाल रहती है? वालमुठ। वालमुठ जरा दिखाएंगे आप ऐसे। ये देखिए, ये है वालमुठ, काली दाल है ये, और ये फुल ऑफ प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन में रिच रहती है। ये कितने कितने रुपए की मिलती है? 10 की, 20 की, 50 की। अच्छा, और यहाँ पे हम आते हैं, ये क्या भैया ये बताएंगे थोड़ा? ये छोले है। अच्छा, ये लद्दाख से आते हैं। अच्छा, ये गेहूँ है। ये गेहूँ है? हाँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज, ये गेहूँ है, ऊपर फ्राइड अनियंस हैं, और ये लद्दाख के काले छोले हैं, यहाँ के चने, और ये क्या गेहूँ था? हाँ। और थोड़ा सा प्याज और वालमुठ वाली दाल आ गई। तो ये क्या डाल रहे हैं आप इसमें भैया? मिर्च, नमक और धनिया। मिर्ची, नमक और धनिया। अच्छा, और ये आ गया इसके बीच में, और ये तैयार है। हाँ, ये हो जाता है। तो और वालमुठ, और साथ में लद्दाख के काले चने, और गेहूं, और प्याज। तो यार टेस्ट करके बताते हैं भाई साहब, हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा हेल्दी स्ट्रीट फूड नहीं मिल सकता 10 रुपए में। इससे ज़्यादा हेल्दी स्ट्रीट फूड का, इससे ज़्यादा सस्ता और स्वादिष्ट और हेल्दी खाना 10 रुपए में नहीं मिल सकता, गारंटी ले लो मेरी। अंकल जी, क्या हाल है? ठीक है जी ना। आप क्या लगाते हैं यहाँ पे? हम तो लगाते हैं मसाला रोटी। अच्छा, इसको कहते हैं मटर मसाला। अच्छा, कितने टाइम से लगा रहे हैं आप? हमको हो गया कम से कम 8-9 साल। 8-9 साल, एंड उससे पहले? उससे पहले मजदूरी। अच्छा, तो पिछले 9 साल से आप ये लगा रहे हैं हेल्दी वाली चीज़। बताएंगे मुझे यहाँ पे आपके सेटअप में क्या क्या है यहाँ पे? इसमें छोले हैं, मटर है। ये मटर है? हाँ जी। अच्छा, इसको सवेरे हम एक दिन पहले पानी में रखते हैं। अच्छा, पानी में रख कर फिर उसको हम दूसरे दिन सवेरे उसको उबाला। अच्छा, उसके बाद ये चटनी। अच्छा, इसमें हमने डाला है प्याज, मूली, हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला। अच्छा, और इसमें पुदीना है। पुदीना? जीरा है। अच्छा, हाँ जी। ये पूरी मसाले वाला, पूरे मसाला वाला ये बनाते हैं। अच्छा, और ये देते कैसे हैं आप? ये है 20 रुपए फुल रोटी जाती है, रोटी में डाल के देते हैं। हाँ जी, एक बनाएंगे हमारे। इसके बाद मैं देखिए रोटी आई। अच्छा, तो ये आवाज़ कश्मीरी जो बेकरी रहती है, तंदूर से आती है, तंदूर की रोटी। अच्छा जी, रोटी आकर इसको मसाला डालते हैं इसमें। हाँ जी, मसाला डाल कर इसको, इसके बाद मटर, मटर डाला इसमें। अच्छा जी, रोटी के बीच में पहले मसाला लगाया अच्छे से, और फिर मटर लगाया। फिर मटर। अच्छा, इसके बाद फिर मसाला, फिर से मसाला। हाँ, आप इसका एक रोल जैसा बना देंगे। अब इसको रोल बन जाएगा। अच्छा, ये बढ़िया तरीके से, इसका रोल 20 रुपये। वाह, 20 रुपये में भाई। इंडियन काठी रोल, कश्मीरी काठी रोल, 20 रुपीज़ में स्ट्रीट फूड। इसमें ना मूली का बहुत प्यारा फ्लेवर है, मूली का मसाला बनाया हुआ है ना, बहुत ही प्यारा फ्लेवर है उसका। मटरी जो है उसमें सिर्फ नमक डाला हुआ है, उबले हुई मटरी है, नमक के साथ कुछ खास मसाले या कुछ ऐसा नहीं डाला। मसाला मसाला जो है वो मूली में डाला हुआ है। एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो आप कश्मीर में चलते फिरते खाते जाओ, हेल्दी की हेल्दी चीज़ है, पेट भर देगा, फुल फिलिंग, टेस्टी, सस्ता, सुंदर, बढ़िया, टिकाऊ चीज़ है ये। तो ये तो स्ट्रीट फूड टेस्ट करने के बाद हमारी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, और नेक्स्ट जगह हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे मिलता है जी बहुत बढ़िया सी मटका कुल्फ़ी, लच्छे वाली कुल्फ़ी, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल है। चलिए देखते हैं कैसी है। मटका कुल्फी और फालूदा में एक सबसे बड़ा फर्क ये रहता है कि मटका कुल्फी में सिर्फ बेसिक थिंग्स डलती हैं, और कुछ नहीं डलता। फालूदा में काफी ज्यादा चीजें जो होती है मिक्स करके फालूदा बना दिया जाता है उसका।
दोस्तों दिन बहुत बढ़िया से चल रहा है, 3 स्ट्रीट फूड टेस्ट किया और बहुत बढ़िया से अब मन कर रहा है थोड़ा घूमने का और साथ में थोड़ा फ्रूट खाया जाए। यहाँ पे सुना है फ्रूट वाले भैया हैं, बहुत बढ़िया से वाटरमेलन देते हैं और उनका बोलने का तरीका एकदम स्पेशल है, डिफरेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या बोलते हैं और वो कैसे सर्व करते हैं भाई साहब वाटरमेलन। बदन की ठंडी, बदन की ठंडी, बदन की ठंडी, बदन की ठंडी, नौबत चॉकलेट चॉकलेट। दोस्तों ये सब खाने के बाद अब हम आए हैं सबसे स्पेशल और सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे, जो है जी घंटा घर के पास, और हम आए हैं जी चाट किंग ऑफ कश्मीर, द ओनली चाट किंग ऑफ कश्मीर। और यहाँ पे हम स्वाद करेंगे दही भल्ला और साथ में एक चटनी डलती है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। और एक इनकी स्पेशलिटी है कि ये बिल्कुल भी मीठी चटनी का यूज़ नहीं करते। क्या क्या मिलता है यहाँ पे चलिए देखते हैं और बात भी करते हैं अंकल से। जी क्या हाल है? ठीक ठाक हो जी, एकदम बढ़िया। आप ही कैसे हैं? ठीक शुरू खुला जाओ। अच्छा मुझे बताएं सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बेच रहे हैं? ये दही भला होता है, मैं मेरा डेयरी बेच रहा था 57 साल से। अच्छा 45 साल हो गए जी मेरे को भी बेचते हुए यहाँ ही घंटे घर के पास। अच्छा मैं बचपन से ही इसी काम के साथ लगे हुए हूँ, हम असली हलवाई हैं, हलवाई का ये पूरा काम हमारा ही है। कहाँ से सीखा आपने? जी ये अपने पापा के पास सीखा, डेयरी के पास, डेयरी ने सीखा सिखाया मुझे, फिर उसके नारायण ने सिखाया। तकरीबन 140 साल ऊपर ऊपर हो गए हैं। अच्छा दही भल्ले बनाते हैं अपना, हमें दिखाएंगे क्या क्या आपके पास? ये होता है दही भल्ला होता, ये दही भल्ला है, ये बेसन, ये बूंदी है। अच्छा ये बरीक बूंदी होती है, बेसन की बनती है ये बूंदी। अच्छा ये हो जी आलू। अच्छा। ये आलू भी मसाला पे देने। अच्छा जी देखो आलू भी मसाला पे देने। देखो जी मसाला देखो, अजवाइन वगैरह डली है, ये जीरा जो है भी नाल ही पे देने जी। जड़ी है चटनी है जी, ये सत मसाले की चटनी होती है। सत मसाले की चटनी जी, सत मसाले की चटनी होती है, खट्टी है, ये खट्टी होती है। अच्छा। इमली पाई दी है, ये खट्टी चटनी होती है जी। अच्छा। उसके बाद हो गया जी दही पाने निस्ते। अच्छा। और चार मसाले की मसाला पाने, चूरन वूरन होता मसाले में। अच्छा ये मसाले सारे पाने ने। रेडी है प्लेट जी? रेडी हो गई है जी प्लेट। कितने की प्लेट है? 50 रुपये की प्लेट है जी। देखिए 50 रुपये की प्लेट है जी नदीम जी के पास जी। जी हो गया जी, लो जी ये दही भल्ला, सब मसाले पाए थे सारे, लो जी बच्चा खा रहा है, ये बाहर से आए हैं टेस्ट करने वास्ते, लो जी ये हो गया मसाले की चटनी पाई दी है, उस खट्टी वट्टी होती है सारे चीज़ पाई दी। आज तो टेस्ट करने का भी मुझे चांस नहीं मिला, मज़ा आ गया। और मुझे नहीं पता ये सच में इतनी टेस्टी कि अंकल के हाथ से खाने से और टेस्ट बढ़ गया है। टेस्ट इज टू गुड। कोई पीछे शायद हाई प्रोफाइल इंसान जा रहे हैं तो इसलिए शोर आ रहा होगा, तो प्लीज एडजस्ट। ये जीरा खा गए इधर से तो मैं पाए दिया तैयार, तुम्हारा अलावा स्वाद डबल हो गया। हां जी दही और पसंद जी, एक मिनट ओके देओ जी, ये हो गया जी, और मसाला पा के डेफिनेटली आके खाना है यहां पे घंटा घर के बाहर नदीम जी के पास, चाट जरूर खाना, मजा आ जाएगा।